हेलो फ्रेंड्स, मैं अनामिका, मेरे किचन में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, श्रावण का महीना शुरू हो गया है। हम लोग लहसुन प्याज खाना छोड़ दिए हैं, तो आज हम बिना लहसुन प्याज का पनीर स्पेशल सब्जी की रेसिपी लेकर आए हैं। इसे आप बना के देखिए, आपको बहुत पसंद आएगा। तो चलिए हम फटाफट इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पनीर को मैरिनेट करेंगे। तो इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा हल्दी, एक चम्मच हम लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। आपको तीखा कम पसंद है तो कम डालिए। और हल्का सा हम सॉल्ट डालेंगे, यानी कि पनीर जितना में नमकीन हो जाए उतना ही हमें सॉल्ट डालना है। अब हम सारे इंग्रेडिएंट्स को एक बार ऐसे मिक्स कर लेंगे। इससे क्या होता है, जब भी हम ग्रेवी में अपना पनीर छोड़ते हैं तो ये अंदर तक मसाला अब्सॉर्ब कर लेता है। नहीं तो हम पनीर में जब डाल के और बॉयल करते हैं तो पनीर टूटने का चांसेस रहता है, तो हम कम ही उबाल के उतार देते हैं। तो चलिए हम आगे का प्रोसेस शुरू करते हैं। पनीर मेरीनेट हो रहा है, तब तक हम मसाला तैयार कर लेते हैं। तो हम एक मिक्सर जार लेंगे, उसमें डालेंगे हम 3 से 4 हरी मिर्च, आप अपने तीखा के अनुसार डालिए। 1 इंच अदरक के टुकड़े को हमने छील के क्यूब्स में काट लिया है, उसे ले लेंगे। और यहाँ पे हम 3 बड़े टमाटर लिए हैं, जिसे हमने बड़े बड़े पीसेस में काट रखा है, क्योंकि हमें इसकी पेस्ट बनानी है, तो बड़ा हो या छोटा हो चलता है। टमाटर के साथ हम इसमें डालेंगे 10 से 12 काजू। इसकी ग्रेवी बहुत ही रिच बनती है। अब हम ढक्कन लगा के और इसे पीस लेंगे। तो आप देख सकते हैं, हमने मिक्सर जार में टमाटर, काजू, मिर्च, अदरक का पेस्ट बना लिया है। ये बहुत ही बारीक पेस्ट बना है, इसमें बिल्कुल लम्स नहीं है। हमें ऐसे ही ग्रेवी के लिए पेस्ट चाहिए। अब चलिए हम मसाला तैयार कर लेते हैं। हमने पनीर मेरीनेट कर दिया, टमाटर का पेस्ट बना लिया। अब हम एक बॉल लेंगे और उसमें हम डालेंगे मसाला। तो यहाँ पे हम लेंगे 2 चम्मच धनिया पाउडर। ये सारे मसाले मेरे होममेड हैं, हम घर पे बना के रखे हैं। यहाँ पे हम 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। आपको तीखा जितना पसंद हो उतना डालिए, क्योंकि हम कश्मीरी मिर्च भी यूज करने वाले हैं। 1/4 चम्मच हम हल्दी डालेंगे। मसाले में हम थोड़ा सा पानी डाल के और फूलने देंगे। भीगा हुआ मसाला का ग्रेवी बहुत ही टेस्टी लगता है। हम इसे भीगा के 2-4 मिनट के लिए छोड़ देंगे। ये अच्छे से फूल जाएगा तो इसकी ग्रेवी बहुत ही बढ़िया तैयार होती है। चलिए हम गैस की तरफ चलते हैं। गैस पे हमने एक कढ़ाई ले लिया है, इसमें हम डालेंगे 1 छोटा चम्मच तेल। तेल को हम अच्छे से गर्म होने देंगे। तेल अपना गर्म हो चुका है, अब हम इसमें डालेंगे मेरीनेट किया हुआ पनीर। पनीर को हम करीबन 1/2 मिनट मीडियम फ्लेम पे भूनेंगे। इससे स्वाद बढ़ जाता है, तो आप ज्यादा भी मत भूनिए, हल्का सा इसे रोस्ट कर लीजिए। पनीर को हमने हल्का सा फ्राई कर लिया है, तो हम चम्मच की मदद से पनीर को टेढ़ा करते हुए निकाल लेंगे। तो हम एक प्लेट में से निकालते जाएंगे। आप देख सकते हैं, ये ज्यादा डार्क भी फ्राई नहीं हुआ है और कच्चापन भी नहीं है इसमें, तो हमें ऐसे ही फ्राई करना है। तो आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया अपनी पनीर फ्राई हुई है। चलिए हम इसी कढ़ाई में दूसरा तैयारी करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें 1 बड़ा चम्मच तेल डालेंगे। तेल को हम अच्छे से गर्म होने देंगे। तेल गर्म हो चुका है, इसमें हम डालेंगे 2 से 3 तेज पत्ती, 1 चम्मच जीरा, 8 से 10 लौंग, 1 बड़ी वाली इलायची, 8 से 10 ब्लैक पेपर। तो हम सभी फोरन को तेल में छोड़ देंगे और इसे हल्का सा तड़कने देंगे। फोरन में हमने जो ये पेस्ट बनाया था उसे धीरे से छोड़ देंगे और इसे हम अच्छे से चलाते हुए भूनेंगे। तेल में जब हम टमाटर प्यूरी डालते हैं तो तेल के छींटे उड़ते हैं, तो हम एक कवर से कवर करके इसे भूनेंगे, बीच बीच में चलाते रहेंगे। अब देख सकते हैं, हमने 3 से 4
4 मिनट तक टमाटर को भूना है। अच्छे से भून चुका है यानी कि ऊपर तक अपना तेल दिखने लगा है। इस स्टेज पे हम डालेंगे मसाला जिसे हमने पानी में भिगा के रखा था। तो यहाँ पे आप ड्राई मसाला मत डालिए, इसे थोड़ा देर के लिए भिगा के रखिए। आपका मसाला अच्छे से फूल जाएगा और फ्राई होने के बाद स्वाद बढ़िया आएगा। तो मसाला को भी हम 5 से 6 मिनट तक अच्छे से भूनेंगे। आप चाहें तो यहाँ पे कवर लगा लगा के भूनिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप देख सकते हैं अपनी मसाला अच्छी खासी भून गई है, किनारे किनारे से तेल छोड़ने लगा है। यहाँ पे हम डालेंगे नमक स्वाद के अनुसार। नमक डाल के मसाला भूनने से अच्छे से भून जाता है, तो आप स्वाद के अनुसार नमक डाल लीजिए। साथ में हम डालेंगे 2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, इससे कलर आता है, तीखा बिल्कुल नहीं होता है। नमक डालने के बाद हम 1 से 2 मिनट अच्छे से ग्रेवी भूनेंगे। आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया अपनी कलर आया है ग्रेवी में। यहाँ पे हम डालेंगे 1 छोटी कटोरी दही। तो ध्यान रहे, कभी भी हम दही डालते हैं तो या तो फ्लेम को ऑफ कर लेते हैं या तो स्लो करके डालते हैं, तो दही फटती नहीं है। तो चलिए हम इसमें गाढ़ी सी दही डाल देते हैं और फटाफट चलाएंगे ग्रेवी को। दही डालने के बाद फटाफट ग्रेवी चलाया जाता है, तभी बढ़िया सा ग्रेवी तैयार होता है। आप देख सकते हैं अपनी मसाला अच्छे से भून चुकी है, इमली की कढ़ाई से बिल्कुल अलग हो गया है। तो बस हमें ऐसी ही ग्रेवी चाहिए। अब यहाँ पे हम डालेंगे 1 चम्मच गरम मसाला। गरम मसाला की जगह पे आप किचन किंग मसाला भी डाल सकते हैं। और थोड़ा सा हम डालेंगे कसूरी मेथी। कसूरी मेथी से बहुत ही बढ़िया आता है स्वाद पनीर की सब्जी में। सभी इंग्रीडियंट्स को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गरम मसाला डालने के बाद हमें मसाला ज़्यादा देर नहीं भूनना होता है, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा दूध डालेंगे ग्रेवी को पतला करने के लिए। आपको जितना पतला ग्रेवी पसंद है उतना दूध ऐड कर लीजिए। आप चाहें तो पानी भी डाल सकते हैं, लेकिन दूध से बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है पनीर की सब्जी में। वैसे हम लोग बिना लहसुन प्याज का बना के दिखाना है तो हम शाही पनीर जैसा ही बना रहे हैं। आप देख सकते हैं इसकी थिकनेस, इसकी कलर। अब यहाँ पे हम डालेंगे अपना फ्राई किया हुआ पनीर। पनीर डाल के हम अच्छे से मिक्स करेंगे। कितना बढ़िया कलर आया है आप देख सकते हैं। दो मिनट हो चुका है, चलिए अपनी सब्जी सेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं सभी तेल ऊपर तैर रहा है, पनीर में अच्छे से उबाल आ चुका है। तो हम फ्लेम को ऑफ कर लेंगे और इसे प्लेटिंग करके दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स, आपने देख लिया बिना लहसुन प्याज से पनीर बनके कितना बढ़िया तैयार हुआ है। इसकी कलर देखिए, इसकी थिकनेस देखिए, और खाने में तो बहुत ही जबरदस्त लगता है। इसे आप कुलचा से, पराठा से, तंदूरी से खाइए, मजा आ जाता है। तो फ्रेंड्स, मेरे चैनल को लाइक